everyone. Good morning all of you. This is Nidhi Dhruv, a law graduate and a company secretary. I welcome all of you to this wonderful platform of An Academy, and I welcome all of you to my today's YouTube class of newspaper analysis. Hello ji, hello, kaise ho sab log? How are you all? Good, good. Okay, so aaj Monday ka din hai, 7th of February, and I'm back again with the newspaper analysis session. ये सेशन रोज़ मंडे टू सैटरडे होता है फ्रॉम 10:30 टू 11:15, एंड इसमें आपका न्यूज़पेपर एनालिसिस, द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस बहुत अच्छे से होता है. आवाज़ बंद होगी गाइस, एक मिनट. सो द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस बेसिकली हेल्प करता है सारे लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम वालों को. और उसके अलावा अगर आप कोई और एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे कि यूपीएससी बैंकिंग एग्ज़ाम वगैरह, तो भी आपको ये सेशन काफ़ी काम लग जाता है. ठीक है, सो बेसिकली दिस इज़ गोइंग टू बी यूज़फुल टू ऑल दी लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स एज वेल एज अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स हु वॉन्ट्स टू प्रिपेयर देयर करंट अफेयर्स. ओके, बट लॉ एंट्रेंस वालों को जस्ट नॉट फॉर करंट अफेयर्स, बट उसके अलावा बाकी काफ़ी सेक्शंस में हेल्प करता है, जैसे कि न्यूज़पेपर रीडिंग में इंग्लिश सेक्शन में भी हेल्प होगा, वोकैबलरी डेवलप होगा, लीगल रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये सेशन, क्योंकि लीगल रीजनिंग के भी कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो मैं बताती रहती हूँ. एंड इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स ऑफकोर्स हेल्प हो रहा है, और नोट्स मेकिंग में भी हेल्प होता है, कौन से न्यूज़ की नोट्स बनानी, कौन से न्यूज़ की नोट्स नहीं बनानी, ये सारी चीज़ मैं बताती रहती हूँ ये सेशन में. तो आपको इस सारे तरीके से ये सेशन में फ़ायदा हो जाएगा. ठीक है, सो आज 7th फरवरी है, मंडे का दिन, मुंबई एडिशन लिया हुआ है, एंड देखते हैं आज के न्यूज़ में क्या क्या इम्पोर्टेंट है. ओके, जस्ट बिफोर स्टार्टिंग विद द सेशन ये बता दूं कि करंट अफेयर्स इज़ समथिंग वेरी वास्ट, आप एक साथ जमा करके नहीं पढ़ सकते हो, तो आपको रेगुलरली अपडेट करना चाहिए अपना करंट अफेयर्स. एंड फॉर अपडेटिंग योर करंट अफेयर्स ऑन रेगुलर बेसिस यू मस्ट सब्सक्राइब टू अवर चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपको रोज़ नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप एक भी सेशन मिस आउट ना करो. जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ये चैनल को, एंड शेयर बटन क्लिक करके प्लीज़ प्लीज़ शेयर अबाउट दिस क्लास एज मच एज पॉसिबल. ये फ्री क्लास जो मैं आपके लिए लेके आती हूँ, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचानी है. आपका उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन मुझे छोटा सा चाहिए, सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा दे सके ये क्लास से, फ्री क्लास से. ठीक है, तो प्लीज़ जल्दी से शेयर बटन क्लिक करो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टोरी सब जगह पर डाल दो अबाउट दी सेशन. ठीक है, मीनवाइल मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ. ठीक है, हेलो सईद, स्नेहा, देजू, वेरी गुड मॉर्निंग सईद. दिस सेशन इज गोइंग टू बी इन द मिक्स्ड लैंग्वेज, please get that straight. Already the newspaper is in English, so if I'll be explaining that totally in English, no use. Lot of students come from vernacular mediums, so definitely unke liye I will be speaking in both the languages. If the newspaper itself is in English, definitely explaining in Hindi would help them better. If it's in English already, you can understand, there will not be any problem. Okay, and Saeed, start using please and such language. You don't tell me you speak in English. Please ma'am, can you speak in English? That should be a language. Okay, all right. So guys, I am Nidhi Dhruv, I'm a law graduate and a company secretary. I'm having 8+ years experience in teaching for various law entrance exam. I was earlier associated with Amis Learning Resources. I'm still associated with CS and Cost Accountant Institute, where I teach law subjects to CS and Cost Accountant students, and I really love interacting with all the lovely students like you and sharing my knowledge. That's me. Newspaper analysis kar rahe hum log abhi.
ये जो प्लेटफॉर्म है अन एकेडमी, ये आज की तारीख में सबसे बेस्ट वाला प्लेटफॉर्म है। ट्रस्ट माय वर्ड्स गाइस, अन एकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए आपके मोबाइल पे या लैपटॉप में। एंड अन एकेडमी लर्निंग ऐप पे आपको दो टाइप की क्लास देखने को मिलेगी, फ्री क्लासेस और पेड क्लासेस। फ्री क्लासेस को हम अन एकेडमी पे स्पेशल क्लासेस बोलते हैं। ये जो स्पेशल क्लासेस है, पहले कुछ दिन वो देखिए या आप मॉक टेस्ट क्विजेस दीजिए फ्री वाली, फिर आप एक्सपीरियंस कीजिए आपको प्लेटफॉर्म कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है एक्सपीरियंस, तो सब्सक्रिप्शन लेके आप सिस्टमैटिक वे में अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। फिर फ्री क्लासेस और फ्री मॉक टेस्ट से क्या आपका सिस्टमैटिक वे में पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं होगा, फिर सब्सक्रिप्शन लेके आप सारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हो और आपका सिस्टमैटिक वे में सिलेबस कंप्लीट होगा। प्लस आइकॉनिक दो टाइप के सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, प्लस बेसिक वन है उसके अपग्रेडेड वन, आइकॉनिक है ठीक है। ये सारी प्राइजेस हैं इसके ऊपर। एडिशनल 10% डिस्काउंट के लिए मेरा कोड निधि लाइव यूज़ कर लीजिएगा, 10% प्राइस हाइक अभी अभी हुई है ठीक है। और नए बैचेस के बारे में मैंने अपडेट नहीं डाला है इसमें, और आज इसमें भी अपडेट डालना रह गया है। सो करंट अफेयर्स क्विज और लीगल रीजनिंग क्विज, ये दोनों मैं करवाऊंगी आज शाम को 8:30 to 10:30। दो क्लास होगी, स्पेशल क्लास मेरी फ्री वाली क्लास ओके। ये जो चैनल जिस पर आप मुझे अभी देख रहे हो, इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो अबाउट द क्लास एंड लाइक भी करो गाइज, एंड कमेंट करके बताओ कैसी लग रही है क्लास ओके। All right, so Monday, 7th of February, let us see in Mumbai edition what all news are important. So we all know about this, Lata Mangeshkar ji at the age of 92 has passed away. Khud Modi ji had come to Mumbai and all the Bollywood celebrities and big personalities all were present at Lata Didi's funeral ceremony. So we have lost our nightingale. She was called like that. Hamari India ki koel ja chuke hai. Amazing voice. Unki age badhne ke baad bhi unki voice old nahi hui thi. Lata Mangeshkar passes away at 92. Center announces 2-day national mourning. तो दो दिन का पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर किया गया उनकी डेथ के शोक में। सॉरी गाइस ओके। सो ये चीज़ है, कल सुबह 8:12 को उनकी डेथ हुई है ओके, आफ्टर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर एट ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल शी हैज़ पास्ड अवे। आफ्टर कोविड उनके काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे, कोविड ने इनको भी नहीं छोड़ा। हमारी सबसे वंडरफुल सिंगर भी जा चुकी हैं। 73 ईयर्स का अमेजिंग करियर था उनका, 73 ईयर्स, कैन यू बीट दैट गाइस। इतना लंबा करियर किसी का होता है, एक तो 92 की एज, ऑलमोस्ट 15-16 साल की उम्र से उन्होंने गा रहे थे आई थिंक उससे भी पहले, और इतना लंबा बढ़िया करियर, माई गॉड। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है तो लता मंगेशकर की डेथ, ये ध्यान में रखना है। स्टार मार्क किया है, डेफिनेटली लिखने वाला न्यूज़ है। इससे बड़ा इम्पॉर्टेंट ऑबिटरी हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। चनी इज़ कांग्रेस CM फेस इन पंजाब। जो सिद्धू बोल रहे थे कि हम CM का फेस पंजाब का बताएंगे, फाइनली चरणजीत सिंह चनी जो अभी के प्रेजेंट करंट CM है, उन्हीं को कांग्रेस का CM फेस पंजाब इलेक्शन के लिए डिक्लेयर किया गया है। बिल्कुल हालत खराब है आवाज की गाइस। राहुल गांधी से स्टेट नीड्स अ पर्सन हु अंडरस्टैंड्स पॉवर्टी, जो गरीबी समझता है वैसा आदमी चाहिए स्टेट को रूल करने के लिए। तो ये भी ध्यान में रखना है, इम्पॉर्टेंट है, ये न्यूज़ भी लिखना है। जो भी न्यूज़ के बाजू में मैं स्टार मार्क पुट करती हूँ, वो न्यूज़ आप लिखते जाइए, अपने नोट्स मेकिंग में हेल्प करेगा। सेंटर टू ट्वीक नो बिल जोन अराउंड मॉन्यूमेंट्स। तो
सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नो बिल जोन है अराउंड मॉन्यूमेंट्स, तो जो नेशनल मॉन्यूमेंट्स है उसके 100 मीटर के रेडियस में हम कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, ऐसा एक रूल है. बट सेंट्रल गवर्नमेंट इज नाउ गोइंग टू ट्वीक इट, चेंज करने वाले हैं थोड़ा बहुत. तो साइट स्पेसिफिक लिमिट्स इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसी साइट है उसके ऊपर डिपेंडिंग कुछ चेंजेस लाएंगे. तो 100 मीटर रेडियस अराउंड सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स वेयर कंस्ट्रक्शन इज प्रोहिबिटेड कुड बी रिप्लेस विद साइट स्पेसिफिक लिमिट्स. तो हर साइट की स्पेसिफिक लिमिट्स डिसाइड कर दी जाएगी, टोटल प्रोहिबिशन करने के बजाय ये किया जाएगा. ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है. इट हैज़ नॉट हैपेंड येट बट इट इज़ लाइकली टू हैपन वेरी सून. ये हुई हमारी फ्रंट पेज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़. आगे के पेज पे देखते हैं और कौन सी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है. हम आ चुके हैं हमारे एडिटोरियल पेज पे. आज के दोनों ही एडिटोरियल इम्पॉर्टेंट है, दोनों को ही मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी आपको. फिक्सिंग फ्रीक्वेंसीज फर्स्ट, पॉलिसी मेकर्स मस्ट मेक श्योर दैट 5G इकोनॉमिक पे ऑफ विल आउटवे द हाई कॉस्ट. ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है. फिक्सिंग फ्रीक्वेंसीज फर्स्ट, पॉलिसी मेकर्स मस्ट मेक श्योर दैट 5G इकोनॉमिक पे ऑफ विल आउटवे द हाई कॉस्ट. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ने बजट में अनाउंसमेंट कर दिया है दिस ईयर दैट गवर्नमेंट इज लाइक गोइंग टू प्रपोज द कंडक्ट टू कंडक्ट द रिक्वायर्ड स्पेक्ट्रम ऑक्शंस. सो गवर्नमेंट रिक्वायर्ड जो स्पेक्ट्रम के ऑक्शंस है वो करेगी इन 2022 टू फैसिलिटेट द रोल आउट ऑफ 5G मोबाइल फोन सर्विसेज इन फिस्कल 2022-23. Has understandably triggered speculation including about the feasibility of the timeline. तो बजट सेशन में, बजट में के दरमियान निर्मला सीतारामन जी ने अनाउंस कर दिया है कि 5G मोबाइल सर्विसेज ये साल से आ जाएगी इंडिया में भी, और इसके लिए जो स्पेक्ट्रम ऑक्शंस करवाने वो हम करवा लेंगे ये साल. ठीक है, गवर्नमेंट कीननेस टू एक्सपीडिट द रोल आउट वॉज फ्रेम्ड बाई मिस सीतारामन हैज़ बीन प्रोपेल्ड बाई एन एप्रिसिएशन ऑफ द लार्जेस्ट जनरेशन टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एबिलिटी टू सर्व एन एज एन इनेबलर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन. तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम जो 5G लाना चाहते हैं ये इसका हम, इसके लिए हम पहले तो अप्रिशिएट करेंगे पूरी हमारी जो ये जनरेशन की टेलीकम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजीज़ की एबिलिटी है, उसके ही कारण ये 5G टेक्नोलॉजी हम ला के ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब क्रिएशन कर पाएंगे. कमेंटिंग ऑन द बजट अनाउंसमेंट कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव सैड TRAI वॉज एक्सपेक्टेड टू सबमिट इट्स रिकमेंडेशंस ऑन द स्पेक्ट्रम टू बी सेट असाइड फॉर 5G बाय मार्च. तो ये अनाउंसमेंट निर्मला सीतारामन जी ने करने के बाद टेली कम्युनिकेशन मिनिस्टर जो अश्विनी वैष्णव जी हैं उन्होंने बोला TRAI मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये सबमिट करने वाली हैं अपने रिकमेंडेशन स्पेक्ट्रम के रिगार्डिंग 5G को सेट असाइड करने के लिए ऑन द स्पेक्ट्रम टू बी सेट असाइड फॉर 5G के लिए एक अलग से जो स्पेक्ट्रम करेंगे उसके बारे में जो भी उनके रिकमेंडेशन हैं वो बाय मार्च दे देंगे, ऐसा उन्होंने बताया है. और ये भी ऐड किया है, ही हैज़ ऑल्सो एडेड दैट ऑक्शन फॉर द एयरवेव्स वुड बी हेल्ड सून फॉर आफ्टर. और उसके बाद तुरंत एयरवेव्स के रिगार्डिंग जो ऑक्शन करना है वो भी इमीडिएटली उसके बाद किया जाएगा तुरंत. वेल लास्ट वीक्स फ्लरी ऑफ एन अनाउंसमेंट हैव रेज द पॉसिबिलिटी दैट द नेक्स्ट ऑक्शन ऑफ टेलीकॉम स्पेक्ट्रम मे बी हेल्ड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. There's little clarity on the approach the government plans to take with regard to the crucial issues surrounding the introduction of 5G services. तो ये जो अनाउंसमेंट लास्ट वीक में हुई उससे पॉसिबिलिटी बता देखी गई है कि नेक्स्ट ऑक्शन ऑफ टेलीकॉम स्पेक्ट्रम जल्दी ही नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में रखा जाएगा. बट यही बात में क्लैरिटी नहीं मिली है कि गवर्नमेंट के प्लान्स क्या है, कैसे इसको वो 5G services को इंट्रोड्यूस करेंगे. Foremost are question around the particular frequencies the regulator is likely to recommend, the government's plan on pricing the spectrum. तो main queries ये होंगे, ये questions होंगे
कि कौन सी फ्रीक्वेंसीज रेगुलेटर TRAI जो रेगुलेटर है वो फिक्स करेंगे 5G के लिए, देन गवर्नमेंट का प्राइसिंग प्लान क्या होगा ये स्पेक्ट्रम पे, एंड सबसे ज़्यादा क्रूशियल बात द वेरी वायबिलिटी ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी, ये न्यू टेक्नोलॉजी कितना वायबल रहेगा बोथ फॉर द टेलीकॉम कंपनीज एंड इकोनॉमी एज अ होल। तो ये सारे क्वेश्चन हैं हमारे सामने विद द फिनेंशियली स्ट्रेस्ड प्राइवेट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर इंडस्ट्री नाउ रिड्यूस टू अ नियर डुओपॉली एज वोडाफोन आइडिया कंटिन्यूज टू ब्लीड लॉसेस एंड सब्सक्राइबर्स एंड इवन प्लान्स टू कन्वर्ट सम ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ड्यूज टू द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम into an equity stake that will make the union government the largest shareholder. The sector's appetite for the highly capital intensive 5G technology is unlikely to be substantial at the moment. तो जिस तरीके से ये पूरा जो सेक्टर है टेलीकॉम सेक्टर स्पेशली प्राइवेट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जितने स्ट्रेस में है, जैसे कि वोडाफोन आइडिया पूरा नुकसान फुल और नुकसान में है ये अभी, और अपने लॉसेस हैं और सब्सक्राइबर्स भी लूज कर रहे हैं, तो एंड इनके प्लान्स भी है टू कन्वर्ट सम ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट को उनको देना बाकी है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को पैसा देना बाकी है, तो उसके बदले वो लोग इक्विटी स्टेक देने वाले हैं और गवर्नमेंट इसमें फिर लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन जाएगा। ये सब हमने न्यूज़ देखी हुई है, तो ये हमें पता है कि ये होने वाला है। तो वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी प्राइवेट प्लेयर्स अभी इतने नुकसान में हैं, तो ऐसे टाइम पे जो ये 5G टेक्नोलॉजी आ रहा है जो इतना महंगा होगा जिसमें बहुत बड़ा कैपिटल डालना होगा, तो ये सारी प्राइवेट टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स आई मीन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज कितना इसको ये खर्चे को बेयर कर पाएगी एक सवाल है। 5G रिप्रेजेंट्स एन एक्सपोनेंशियल लीप इन टेक्नोलॉजी इज बियॉन्ड डाउट, डेफिनेटली बहुत बड़ा लीप आ जाएगा टेक्नोलॉजी में ड्यू टू 5G बहुत बढ़िया स्पीड के कारण। However, most countries that have commercialized 5G so far largely find the technology still predominantly deployed as an upgraded replacement for 4G in terms of end use. 5G definitely ek bada leap laega technology mein, but most countries abhi bata rahi hain ki jinhone commercialize kiya hai 5G ko wo bol rahe hain ki iski jo ye technology hai 5G wali ye basically थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है 4G का, दैट्स इट, कुछ एकदम डिफरेंट नहीं आ रहा है ऐसा दूसरी कंट्रीज में माना देखा गया है। विद इंडस्ट्रियल एंड पब्लिक यूटिलिटी एप्लीकेशंस एनविजेज स्टिल एट लीस्ट अ फ्यू इयर्स अवे, सो पब्लिक यूटिलिटी और इंडस्ट्रियल वे में हम देखें तो 4G का थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन ही है, बाकी कुछ इसमें खास नहीं लग रहा है। ऑल्सो फॉर द न्यू टेक्नोलॉजी टू वर्क एट इट्स ऑप्टिमम पोटेंशियल द गवर्नमेंट वुड नीड टू or not only offer the key operational frequencies including the below 1 GHz, the C-band frequencies around 3.5 GHz and the higher 26 GHz, but also crucially enable the transport or backhaul of signals between the base stations and telecom operators core network by offering no or to low cost E-band airwaves. तो ये नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए ये सारी चीज़ गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। सॉरी गाइस, बार बार पानी पीना पड़ रहा है बिकॉज आवाज़ ही नहीं निकल रही है, मेरी हालत ख़राब है गले की। सो फॉर न्यू टेक्नोलॉजी टू वर्क अपने बेस्ट लेवल पे गवर्नमेंट को की ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसीज जैसे कि बिलो 1 GHz, सी बैंड फ्रीक्वेंसीज 3.5 GHz एंड हायर 26 GHz, ये सारी अवेलेबल करनी पड़ेगी। ओके, और जो सिग्नल्स होते हैं उसको अच्छे से ट्रांसपोर्ट करने होंगे टू द बे फ्रॉम द बेस स्टेशन एंड टेलीकॉम ऑपरेटर्स कोर नेटवर्क बाय ऑफरिंग नो टू लो कॉस्ट ई बैंड एयरवेव्स। विद द COVID-19 पैंडेमिक हैविंग शोन अप द एग्जिस्टिंग मोबाइल नेटवर्क्स इन एडिक्वेसीज इन टर्म्स ऑफ रीच एस्पेशली इन एनेबलिंग द डिलीवरी ऑफ एजुकेशन टू रिमोट एंड रूरल स्टूडेंट्स, इट मे मेक द मोस्ट सेंस टू डिले द इंट्रोडक्शन ऑफ 5G अंटिल पॉलिसी मेकर्स आर श्योर इट्स इकोनॉमिक पे ऑफ विल आउटवे द हाई कॉस्ट। तो कोविड में हमने देखा कि इतना मोबाइल नेटवर्क और नेटवर्क्स अच्छे नहीं मिले विलेज एंड रूरल एरियाज़ में, स्पेशली एजुकेशन उनको रिमोट एजुकेशन के लिए पढ़ाई के लिए, तो ऐसे टाइम पे ऑलरेडी जब हमारा 4G भी इतना अच्छा नहीं है तो 5G कैसे अच्छे से लाओगे, यू नो। तो 5G को फिर डिले करना चाहिए जब तक तुम इतना हाई कॉस्ट बेयर करने के लिए तैयार ना हो जाओ। ये एडिटोरियल में
एडिटर का ओपिनियन और कमेंट है अबाउट दिस इंट्रोडक्शन ऑफ 5G इन कमिंग ईयर, जो अनाउंसमेंट हुआ है उसके ऊपर. हाय विशेखा, हाय अभिजीत, हाय अलविश. नहीं अलविश, मैं संडे को नहीं करती. हाय प्रतीक, हाय चारू परमेश्वर, हाय धर्मेंद्र. या धर्मेंद्र, हाय शाहजी, कलो. ओके, सो ये एडिटोरियल हमने कर लिया है. आई होप आप सबको समझ में आया है. सबको समझ में अगर आ रहा है अच्छे से तो लाइक बटन हिट कर देना गाइस, ठीक है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल हम लोग कर रहे हैं इज अ डेथ ऑफ अ टेररिस्ट, जियो पॉलिटिकल एंड सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन्स इन इराक एंड सीरिया एनहांस अ थ्रेट फ्रॉम द IS. द डेथ ऑफ अ टेररिस्ट, एक टेररिस्ट की जो डेथ हुई है जियोपॉलिटिकल एंड सेक्टेरियन फॉल्ट लाइंस जो इराक एंड सीरिया में हो रही है, जिनमें टेररिस्ट की डेथ हुई, इससे IS से, ओके, इस्लामिक स्टेट से के नाम के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से और थ्रेट बढ़ जाएगी. द डेथ, हमें पता है कि एक बहुत बड़े US की स्ट्राइक में एक उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट करके अपने आप को मार दिया. अबू इब्राहिम अल हशीमी अल कुरैशी, लीडर ऑफ इस्लामिक स्टेट जो है, has come at a time when the terrorist outfit has been trying to revive its fortunes in Iraq and Syria. तो इराक एंड सीरिया अपने कोर रीजन बना के टेररिस्ट इसको अड्डा बना के काम करने की ट्राई कर रहे थे, तभी उनके इस्लामिक स्टेट के लीडर की डेथ हुई है. अ फ्यू वीक्स अर्लियर IS militants had carried out an ambitious attack that their largest since the death of अबू बकर अल बगदादी IS founder in 2019 on a prison in नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया हसाका to free thousands of jihadists. तो अभी थोड़े वीक पहले ही IS militants ने एक अटैक किया था प्रिजन पे, ईस्टर्न सीरिया के हसाका नाम की प्रिजन पे, जहां उन्होंने बहुत सारे जिहादिस्ट को फ्री करने के लिए अटैक किया था. ये उनका लार्जेस्ट अटैक था आफ्टर देयर IS founder's death, अबू बकर अल बगदादी. बट इट वॉज अ फेलियर एज अमेरिकन सोल्जर्स ज्वाइन द सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस. तो सीरिया के डेमोक्रेटिक फोर्सेस में अमेरिकन सोल्जर्स भी जुड़ गए एंड इनको फेल कर दिया उनके अटैक को. अ कुर्दिश मिलिटिया टू पुश बैक द मिलिटेंट्स, तो मिलिटेंट्स को, टेररिस्ट को बाहर भगाने के लिए जो सीरिया की कुर्दिश मिलिशिया है उसके साथ अमेरिकन सोल्जर्स भी मिल गए. कुरैशी ब्लू हिमसेल्फ अप अलॉन्ग विथ हिज फैमिली, खुद की फैमिली के साथ खुद को जला दिया, लाइक हिज प्रीडेसेसर डिड 3 years अगो. और जैसे ही उनके 2019 में उसके फाउंडर ने, IS के फाउंडर ने किया था, वैसे ही उनके प्रीडेसेसर के जैसे ही उसने भी अपनी फैमिली के साथ अपने को जला दिया. व्हेन US स्पेशल फोर्सेस अप्रोच्ड हिज हाइड आउट इन इदलिब, उनके इदलिब में जो छुपे हुए घर में, तो जब ही पहुंच गए US स्पेशल फोर्सेस, तभी उन्होंने अपने आप को जला दिया. द प्रोविंस कंट्रोल्ड बाय जिहादिस्ट लिंक्ड विथ अलकायदा, तो ये जो प्रोविंस जिसको जिहादिस्ट कंट्रोल करते हैं, ये अलकायदा के साथ लिंक्ड है. व्हेन ही बिकेम द IS चीफ, जब ही वो IS के चीफ बने, द एंटिटी हैड ट्रांसफर्ड इटसेल्फ फ्रॉम अ कैलिफेट, तो IS काफ़ी पावरफुल हो गया था और पहले की जैसे उनकी एंटिटी नहीं रही थी. विद कंट्रोल ओवर सम की सिटीज इन इराक एंड सीरिया, उन्होंने इराक और सीरिया की कुछ मेन सिटीज़ में कंट्रोल कर लिया था और ये पावरफुल हो चुके थे. इनटू एन अंडरग्राउंड इंसर्जेंसी विद ग्लोबल ब्रांचेस अंडर कुरैशी, द IS कंटिन्यू टू ऑपरेट लाइक अ लूज कन्फेडरेशन ऑफ ऑटोनोमस नेटवर्क्स. तो कुरैशी की लीडरशिप के अंडर वो लोग काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहे थे. इट्स अफगान एंड वेस्ट अफ्रीकन ब्रांचेस एक्सपांडेड ऑपरेशन, इस्लामिक स्टेट की, अफगानिस्तान की और वेस्ट अफ्रीकन ब्रांचेस ने भी ऑपरेशंस बढ़ा दिए थे. वाइल इन इराक एंड सीरिया इट स्टेज ओकेजनल अटैक्स, और इराक और सीरिया में ओकेजनली वो लोग अटैक कर रहे थे. और रिमाइंडर दैट इट इज़ ओनली द फिजिकल कैलिफेट दैट हैज बीन डिस्ट्रॉयड.
इट्स मोर देन अ कॉन्सिडेंस दैट बोथ बगदादी एंड कुरैशी हाइडिंग इन सीरिया इज इदलिब. तो ये कोइंसिडेंस से ज़्यादा है, एक बड़ा ही बात है कि बगदादी और कुरैशी अभी दोनों IS के लीडर्स सीरिया के इदलिब में ही छुपे थे. द सीरियन गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स एफर्ट द सीरिया के गवर्नमेंट के जो एफर्ट है टू रिकैप्चर द टेरिटरी हैव नॉट बीन सक्सेसफुल एज अ स्ट्रॉन्ग रीजनल ओपोजिशन एस्पेशली फ्रॉम टर्की विच फियर्स अनदर रेफ्यूजी इन्फ्लक्स. तो सीरिया की गवर्नमेंट कंट्रोल लेना चाहती हैं बट लोगों का वहाँ बहुत ऑपोजिशन है, रीजनल ऑपोजिशन, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि दे आर फियरिंग स्पेशली टर्की के रेफ्यूजी बहुत बढ़ जाएंगे फिर पूरी कंट्री में. द प्रोविंस इज कंट्रोल्ड बाय हयात, ये जो प्रोविंस है वो कंट्रोल कर रहे हैं हयात तहरीर अल शाम, अ ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट आउटफिट दैट वॉज फॉर्मली नोन एज जबत अल नुसरा द सीरियन ब्रांच ऑफ अलकायदा. तो सीरिया का ये जो प्रोविंस है बेसिकली ये लोग हयात तहरीर अल शाम के अंडर है, जो कंट्रोल कर रहे हैं एक ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट आउटफिट. पहले इसका नाम था जबत अल नशरा, जो अलकायदा का ही सीरिया का ब्रांच माना जाता है. इदलिब इज़ नाउ रन बाय अबू मोहम्मद अल जुलानी. तो इदलिब अभी किसके अंडर है, अबू मोहम्मद अल जुलानी के अंडर. द अलकायदा मिलिटेंट, ये अलकायदा के टेररिस्ट हैं, वो सेंट टू सीरिया बाय बगदादी इन 2013. तो बगदाद से सीरिया में उनको 2013 में भेजा गया था इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ सिविल वॉर टू ओपन अ ब्रांच ऑफ हिज आउटफिट. तो उन लोग के अलकायदा के ब्रांच के तौर पे एक्सपांड करने के तौर पे उनको भेजा गया था. इफ अ लास्टिंग सोल्यूशन टू जिहादिस्ट कंट्रोल ऑफ इदलिब इज नॉट फाउंड फ्यूचर बगदादीज एंड कुरैशीज वुड ऑल्सो टेक रिफ्यूज इन द रीजन. सो इदलिब को जिहादीज के कंट्रोल से बाहर नहीं किया तब तक फ्यूचर में भी जो भी बगदादी और कुरैशी बनेगी, मतलब IS के और अलकायदा के लीडर, वो फिर इधर ही हमें रेफ्यूज लेते हुए मिलेंगे. अनदर इम्पॉर्टेंट लेसन द IS's रीसेंट अटैक्स प्रोवाइड्स इज दैट द सीरियन कुड्स रिमेन अ की एली इन द फाइट अगेंस्ट द IS एज द हसाका इंसिडेंट हैज शोन. IS का इस्लामिक स्टेट का जो रीसेंट अटैक है, इससे भी एक लेसन लेने की ज़रूरत है कि वो लोग क्या क्या कर सकते हैं हसाका में, जैसे कि है वो द US शुड नॉट थ्रो देम एट द मर्सी ऑफ टर्की. US को उनके टर्की के मर्सी पे ये नहीं छोड़ देना चाहिए इन लोग को, लाइक द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वंस डिड. ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जैसे किया था टर्की पे छोड़ दिया था, वैसा US को अभी नहीं करना चाहिए. वंस द IS थ्रेट इज़ मिनिमाइज्ड, तो IS थ्रेट कम हो जाए उसके बाद, क्योंकि उनके लीडर अभी तो मर गए, उनको टर्की के हवाले नहीं कर देना चाहिए. US को खुद को ध्यान रखना चाहिए इसमें. दे शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन टू अ लार्जर रीजनल काउंटर टेरर स्ट्रैटेजी. तो पूरे लार्जर वे में रीजनल काउंटर टेरर स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए और इन सबको निकालना चाहिए. लास्टली द IS हैज़ लर्न हाउ टू सर्वाइव देयर ओकेशनल सेटबैक्स. वैसे तो IS इस्लामिक स्टेट ने सर्वाइव करने को सीख लिया है उनके ओकेशनल सेटबैक से. इट हैज़ लॉस्ट इट्स कैलिफेट, उनके लीडर को लूज़ किया है अभी, एंड इट्स टॉप कमांडर्स, बट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फूट सोल्जर्स स्प्रेड अक्रॉस इराक एंड सीरिया. नो डाउट IS के अभी थोड़ा वीकन हो गया है क्योंकि उनके टॉप कमांडर्स और कैलिफेट को लूज़ किया है, बट बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ फूट सोल्जर्स पूरे इराक और सीरिया में फैले हुए हैं वेटिंग टू स्ट्राइक. द स्टिल ओपन वुंड्स ऑफ द सिविल वॉर इन सीरिया एंड द लिंजरिंग सेक्टेरियन सेंटीमेंट्स इन इराक हैव लेट देम सर्वाइव सो फार. सो जो उनके सिविल वॉर से के ओपन वुंड्स हैं इन सीरिया एंड सेक्टेरियन सेंटीमेंट्स इन इराक, उससे वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं अभी भी. एज लॉन्ग एज देयर इज जियो पॉलिटिकल एंड सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन्स रिमेन इन इराक एंड सीरिया दैट इट विल नॉट वैनिश. तो जब तक ये जियो पॉलिटिकल सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन्स, मतलब ऐसे टेररिस्ट इराक और सीरिया में रहेंगे, तब तक IS का थ्रेट ख़त्म नहीं होगा, कोई नया लीडर बन के आ जाएगा. तो ये चीज़ है, ये दो इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल मैंने करवाए. आई होप आप लोगों को समझ में आए. अगर अच्छे से समझ में आया तो लाइक बटन हिट कर देना, कमेंट करके बताना. कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ भी लेना.
राबी वेरी गुड मॉर्निंग विशिका सिंह मैम, आफ्टर 2 डोजेज ऑफ वैक्सीनेशन इवन गेट पीओएस। मुझे बोल रहा आप मुझे लेना चाहिए ऐसा बोल रहा विशाखा। नेक्स्ट वन इज श्रीलंकन फॉरेन मिनिस्टर जी एल पेरिस इज गोइंग टू विजिट इंडिया, ठीक है। और ये वाला स्टार मार्क करी हूँ लिखना है ये न्यूज़, ये वाला मुद्दा फिशरमैन वाला जो बार बार अरेस्ट कर लेते श्रीलंका वाले हमारे फिशरमैन को, ये मुद्दा बड़ा अच्छे से डिस्कस किया जाएगा जब वो विजिट करेंगे अभी। नेक्स्ट वन इज पार्लियामेंट्री पैनल ऑब्जेक्ट्स टू एयरपोर्ट कोड के फॉर गया, तो गया जो उत्तर प्रदेश में आया है, और सॉरी उत्तर प्रदेश ओनली राइट और बिहार, सो गया नाम का जो एयरपोर्ट है उसके लिए जो शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना है गे, वो पार्लियामेंट्री पैनल ने ऑब्जेक्ट किया है कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं, इनफैक्ट YAG रख लो, ऐसे YAG रख लो तो चल जाएगा एज एन ऑल्टरनेटिव, तो राइट है ऐसे गे तो नहीं रख सकते ना, तो पार्लियामेंट्री पैनल ने ऐसे ऑब्जेक्ट किया है। ग्रीन बॉन्ड्स टू हैव लॉन्ग टेन्योर से सेंटर, तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए जो बॉन्ड्स होंगे ग्रीन बॉन्ड्स इसको लॉन्ग टेन्योर के लिए इश्यू किया जाएगा ऐसा सोवेरियन ग्रीन बॉन्ड्स को, ऐसा गवर्नमेंट अनाउंसमेंट किया है। एक पूरा पेज लता जी को डेडिकेटेड है, साउंड ट्रैक ऑफ अ बिलियन पीपल एंड मोर, पूरा लता जी पे है ये। ये हमारा वर्ल्ड न्यूज है, क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है देखते हैं। रशिया 70% कॉम्बैट रेडी फॉर इन्वेजन, यूएस बोल रही है कि रशिया कुछ कम नहीं है, वो यूक्रेन में इन्वेड करने के लिए 70% रेडी बैठी है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है जेक सुलिवन, उन्होंने वो बोला है कि रशिया कुड इन्वेड यूक्रेन विद इन डेज और वीक्स, कुछ डेज या वीक्स के अंदर अंदर ही रशिया यूक्रेन को इन्वेड कर लेगी, और फिर कि वो लोग चाहते हैं कि नाटो के ट्रूप्स हट जाए, कैसे हट जाए, प्रोटेक्ट करना होगा यूक्रेन को डेफिनेटली। तो ये एक बड़ा न्यूज़ है गाइस, रशिया इज़ ऑलमोस्ट रेडी टू अटैक एंड इन्वेड यूक्रेन, सो दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यू मस्ट राइट डाउन। ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज चाइना पाकिस्तान हिट आउट एट यूनिलैटरल कश्मीर मूव्स, तो यूनिलैटरली वो लोग कश्मीर के रिगार्डिंग जो मूव लेना चाहते हैं, चाइना पाकिस्तान साथ में आ गए हैं। बोथ साइड्स रीअफर्म सपोर्ट फॉर ईच अदर्स कोर इंटरेस्ट, चाइना को हमारा लद्दाख चाहिए और पाकिस्तान को हमारा कश्मीर चाहिए, और दोनों लोग इसके लिए एक दूसरे के साथ सपोर्ट करने के लिए रेडी हो चुके हैं। दिस इज़ टू बैड गाइज, दिस इज़ टू बैड फॉर अस, स्टार मार्क कर रही हूँ लिखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज अफ्रीकन यूनियन स्लैम्स वेव ऑफ कूप्स डॉजेस इजराइल वोट, अफ्रीकन यूनियन बोल रहे कि इस तरीके से जितने कूप हुए लास्ट एक साल में 4 कूप हुए पूरे अफ्रीका में, हम सबको बताए सूडान और अभी क्या नाम था ये कंट्री का लास्ट वीक जो हुआ, मैं एक सेकेंड भूल गई ये नाम, ओके यस ग्वेना माली सूडान में तो हुआ है और बुर्किना फासो, ये 4 जगह एक साल में मिलिट्री कूप हुए हैं, ये ठीक बात नहीं है। अफ्रीकन यूनियन जो है ये स्लैम कर रही है मूव को, ठीक है, और इसराइल का वोट इसके लिए चाहती है, सिर्फ इसराइल का वोट करना बाकी है इसमें, तो ये चाहती है। 4 पुशेस इन अ कैलेंडर ईयर अनप्रेसिडेंटेड, ऐसा कभी नहीं हुआ है, अफ्रीकन यूनियन की चीफ बैंकोले एडियोए इज सेइंग दैट, अफ्रीकन यूनियन के चीफ नोट डाउन करना गाइस, उनका नाम लिख लेना और ये न्यूज़ भी लिख लेना कि ये ठीक बात नहीं है, अफ्रीकन यूनियन बोल रहा है कि अफ्रीका में 4 मिलिट्री कूप एक साल में हुए, तो दिस इज़ बैड। नेक्स्ट वन इज ये भी इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ कोरिया इज कंटिन्यू इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, यूनाइटेड नेशंस बोल रहा है कि नॉर्थ कोरिया जिस तरीके से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम कंटिन्यू कर रही है ये ठीक बात नहीं है, ठीक है। DPRK इज सीकिंग मटीरियल टेक्नोलॉजी, ओके
ये लोग मटेरियल और टेक्नोलॉजी जमा कर करके ये कर रहे हैं। ओके, डॉक्यूमेंट ऐसे भी बोल रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया रिसर्टेड टू साइबर अटैक्स स्पेशल इन क्रिप्टो करेंसी एसेट्स एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। साइबर अटैक्स करने के लिए भी नॉर्थ कोरिया भी रेडी है, वो इस तरीके से रेडी बैठी है। सो दिस इज़ रियली रियली नॉट गुड फॉर कंट्री, आई मीन फॉर नॉट जस्ट आर कंट्री बट फॉर ऑल ऑफ दी वर्ल्ड। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है चीज़ ध्यान में रखना है। क्वीन एलिजाबेथ टू ने 7 डिकेड, नियर अबाउट 70 ईयर्स से वो रूल कर रही है। ओके, सो क्वीन मार्क्स 7 डिकेड्स ऑफ रीन। एलिजाबेथ टू सेज शी वॉन्ट्स कैमला टू बी क्वीन कंसॉर्ट। एक बड़ी अनाउंसमेंट किंग क्वीन एलिजाबेथ ने की है। 25 साल की उम्र में उन्होंने क्वीन का पोस्ट संभाला था और आज वो 95 है, 70 ईयर्स कंप्लीट कर रहे हैं वो ये ताज संभालने में। और उनके बाद नेक्स्ट क्वीन कौन होगी उन्होंने अनाउंस कर दिया है। क्वीन कैमिला जो प्रिंस चार्ल्स की वाइफ है उनको क्वीन के तौर पे डिक्लेयर किया है। देयर वर लॉट ऑफ रूमर्स के क्वीन एलिजाबेथ को तो क्वीन कैमिला पसंद नहीं है, तो शायद केट मिडल्टन को ही वो क्वीन अभी डिक्लेयर करेगी वगैरह वगैरह, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। क्वीन कैमिला को ही डिक्लेयर किया गया है क्वीन कंसॉर्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये मैं मार्क की हुई हूँ, लिख लेना है। एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फॉर द डे इज़, हम सबको पता है ये वाला, स्टार मार्क कर रही हूँ, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया जीत चुकी है इंग्लैंड को बीट करके। इंग्लैंड को सालों पहले लगान में भी हरा दिया था, लगान मूवी में भी, और मतलब सालों पहले जिस तरीके से लगान के लिए रियल मूवी था वो भी हराया था, वैसे इंग्लैंड को आप सामने इंडिया ने हराते हुए हम लोग अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं क्रिकेट का। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान में रखना है, ठीक है। सो ये सारे हमारे आज के दिन के इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो गए। ओ विशिका, दैट्स बैड। अच्छा विशिका, कोविड पॉजिटिव हो विशिका 2 डोज के बाद भी, बाप रे। चारवी सिंह मैम, ये वीडियो देखने के बाद हमें और भी कुछ करने की नीड है क्या जीके के लिए? येस डेफिनेटली, न्यूज़पेपर एनालिसिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स, बट अराउंड 60% जितना कवर होगा आपका न्यूज़पेपर एनालिसिस से चारू। इसके अलावा आपको बहुत सारी और सोर्सेज भी करनी होंगी, आई मीन न्यूज़पेपर एनालिसिस के अलावा आप करंट अफेयर्स क्विज़ मेरा अटेंड कर सकते हो, जो अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे स्पेशल क्लास होगी, जो ये वाली क्लास मैंने आज भी बताई, आज की मैं अपडेट करना रह गया, आज शाम को हो रही है करंट अफेयर्स की क्विज़, 1st to 5th फेब करवाऊँगी, उसमें आ जाइए। फिर लीगल का क्विज़, तो ये करंट अफेयर्स क्विज़ की क्लास, सारे जीके क्विज़ की क्लास, जो मैं फ्री क्लास लेती हूँ अगेन ऑन एन अकेडमी प्लेटफॉर्म, इसमें आ जाइए कीजिए, दैट वुड बी टू मच, दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट। तो ये 60% जितना कवर होता है दूसरा इसमें कवर हो जाता है, स्टैटिक जीके हो जाता है, तो ये 2-3 क्लास कर लीजिए फिर आपका हो जाएगा जीके, ठीक है। ओके शारू, बट इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर दिसंबर, हाँ मई के लिए आप अपियर कर रहे हो, अच्छा विषय का, अगर मई के लिए अपियर कर रहे हो तो बाप रे, आपको पहले का अगर बाकी है तो बैकलॉग कवर करने के लिए आप प्लस क्लास अटेंड कर सकते हो जो एवरी ट्यूसडे 2 बजे होती है, ठीक है। ऑलराइट गाइज, आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल टू एवरी वन, थैंक यू सो मच, बाय बाय। सारे लोग लाइक बटन हिट कर लेना अगर सेशन अच्छा लगा है तो, ठीक है। तो अच्छा है चारू, तो भी दिसंबर जनवरी का अगर आपका मिस हुआ है सेशंस तो अटेंड कर लेना, दिसंबर 2021 से दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स पढ़ने होंगे। बाय स्नेहा, बाय बाय चारू, बाय गाइज, आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल टू एवरी वन।